गाइज, दिस इज़ द न्यू डे. वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज़ सरिका चौधरी. एंड आज के ब्लॉग में मैं सुबह उठते ही, अभी भी मेरे फेस पे आपको दिख रहा होगा, नींद नहीं. पता नहीं क्यों रात में, आधी रात में मेरी नींद खुल गई. और नींद आ ही नहीं रही थी. चार के आसपास मेरी नींद खुल गई थी. उसके बाद नींद आ ही नहीं रही थी. आई ट्राइड अ लॉट टू स्लीप, पर मैं थोड़ी देर फ़ोन चलाया मैंने, फिर मेरे को धीरे धीरे करके नींद आई. तो यार, आज मैं कुकिंग कर रही हूँ. आज मैं बना रही हूँ खुद के लिए करी चावल. बहुत टाइम हो गया था करी चावल कुक के हाथ का खा के मैं परेशान हो गई हूँ. तो मेरे को कुछ टेस्टी चाहिए था, और बाहर से आई डोंट प्रेफर मच. तो मैंने सोचा चलो करी चावल बनाते हैं और यम्मी सा खाते हैं. और आज का कुछ इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है. एंड यहाँ घर जाने का भी टाइम काफ़ी करीब आ रहा है, तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट ऑल्सो. जस्ट नॉर माई पपी आइस थोड़ी बहुत है आज. एंड अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा फ्रूट्स खाऊंगी एंड देन आई कुक फूड एंड देन आई हैव दैट एंड आई हैव टू गो टूडे समवेयर एंड दैट विल बी अ सरप्राइज फॉर मी ऑल्सो. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. बाय. सो गाइज, माई फेवरेट करी चावल इज रेडी. एंड सो अब जल्दी से खाते हैं, उसके बाद कुछ कुछ काम है कंप्लीट करने के लिए, फिर वो भी कंप्लीट कर लेते हैं. उसके बाद लेट्स सी व्हाट हैपेंस. मुझे नहाना है, लॉट्स ऑफ वर्क टू डू, ड्रेस फाइनल करनी है, देयर आर लॉट्स ऑफ गोइंग ऑन. सारी पैकिंग पड़ी हुई है, बहुत सारी चीज़ पैक करने के लिए. बैग फुल हो चुका है. आई डोंट नो कहाँ रखूँगी मैं. I literally don't know कहाँ रखूँगी मैं और कैसे लेके जाऊँगी. बट होप फॉर द बेस्ट. इसलिए ट्रेन की टिकट ली है मैंने, क्योंकि जगह ही नहीं है. फ्लाइट में तो इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल. फ्लाइट की जर्नी भी थोड़ी हैक्टिक हो जाएगी, चीज़ें लेके भागना एंड ऑल. तो इसलिए मैंने ट्रेन की है. लेट्स सी हाउ इट गोज. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है मेरी स्ट्रगल. कि शायद आज मैं बाहर जाऊंगी. आज नहीं बताया तो अभी बता रही हूँ. अभी मेरे को बाहर निकलना है, मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बुलाया है. सो इट्स दिस ब्लॉग इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज यू नो आई डोंट थिंक कि मेरे पास ऐसे प्रॉपर एक दो ही ब्लॉग है जो प्रॉपर फ्रेंड के साथ है. फाइनली आज मैं आपको अपने सारे फ्रेंड्स से मिलवाऊँगी, जिसमें कि पेकी, रितिका, ओमेगा सब एक वीडियो में होंगे. तो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट. And yeah, stay tuned with me. Let's enjoy my bachelorette. So yeah, it's about again my bachelorette. First को श्वेता ने मनाया था. She came all the way from Agra to Delhi just to celebrate bachelorette with me. And this time my again friend group 2-3 दिन में मैं निकलने वाली हूँ. आज 28 एंड 29, 30, 31, 3 डेज लेफ्ट टू गो होम. सो लेट्स एंजॉय गाइस. सो मैं पहुंच गई हूँ मेट्रो स्टेशन एंड काफ़ी ठंड है यार. दिल्ली की ठंड ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है. से बिल्कुल यहाँ पे आई हूँ ट्रैवल करके. टुक मी ऑलमोस्ट डेस्टिनेशन पर लेट्स डाउन. मैं जस्ट मेघा को कॉल करूँगी, शी कम टू पिक मी अप आई गेस. दिस इज द लास्ट स्टेशन. टुक मी ऑलमोस्ट 1.5 आवर
और तब से यहाँ बैठी हूँ, पूरे मेट्रो जो है पूरी मेट्रो खाली हो चुकी है, पूरी की पूरी मेट्रो खाली हो चुकी है क्योंकि ये लास्ट स्टेशन है। एंड ये फाइनली आई एम गोइंग टू मीट माय फ्रेंड्स गाइस। तो सब टाइम ये है कि वो लोग जाने के लिए क्या होने क्या वाला है। सो या आई एम गोइंग टू मीट माय फ्रेंड्स बाय द वे। 3 दिन के बाद घर जाना है, तो हमने बोला कि लेट्स एंजॉय जो भी थोड़े दिन बच्चे उसके, तो लेट्स मीट देम, आई एम सुपर एक्साइटेड, लेट्स गो। मैं इसके सोसाइटी में आ चुकी हूँ, मेघा रावत, नाउ वेटिंग फॉर हर। आई डोंट नो किधर है, लेट्स सी वेयर शी। का मर्डर कर दूंगी गाइस। ये मेरे को 10 मिनट हो गए यहाँ खड़े हुए हुए, पता नहीं कहाँ है कमीनो। देखो कहीं नहीं दिख रही है, जो इसने मुझे लेफ्ट राइट बताई है ना, आई डोंट नो कहाँ है ये लोग, आई कांट सी देम दूर दूर तक। लेट्स सी, डिफरेंट एक्सपीरियंस होंगी, ऐसा थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है। क्रोधी क्या बताऊं मैं, शैम्पू वैम्पू करके रेडी है लड़की जो हमारी, नहा के आई हूँ आज मैं। कितने दिनों से नहीं नहाया ये बता, कल नहाई थी। एक सेकंड यार, वो मुझे मिली नहीं यार, भाई।